अरे प्रेम बुरी जंजीर, अरे पीर जाए झूठ मतिर जानो। अरे प्रेम बुरी जंजीर, पीर जाए झूठ मती जानो। बताया है प्रेम के बारे में, उसी प्रकार से राधा जी भी व्याकुल हैं श्याम सुंदर के बिना। रथ आगे बढ़ता ही चला गया, रथ पहुंच गया यमुना के किनारे। अक्रूर जी कहने लगे, श्याम हे कन्हैया, हम यमुना जी में स्नान कर ले, तब तब तुम रथ पर ही बैठना। जवाब दिया ठीक है। इधर अक्रूर जी ने सारे वस्त्र उतार करके रख दिए, यमुना जी में डुबकी ली, तो भगवान श्याम सुंदर जल में नजर आ रहे। अक्रूर जी ने सोचा कि श्याम को तुम्हें रथ पे छोड़ करके आया था, ये जल में क्या कर रहा है। ऊपर देखा तो कन्हैया रथ पर बैठे, फिर डुबकी ली नीचे देखा तो कन्हैया जल में नजर आ रहे। समझ गए अक्रूर जी, ये कोई साधारण बालक थोड़ी नहीं है, ये तो भगवान है। अरे इसने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, मैं तो भूल ही गया था। अरे ये तो भगवान है। सुबह होते ही इन बच्चों का कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुबह होते ही उस राक्षस उस कंस का पद निश्चित है। धीरे 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 अक्रूर जी रथ लेकर के जाने लगे। तो श्रोताओं एक बात और बताएं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को कौन मिले थे पता है? सबसे पहले कंस का वध करने के लिए भगवान जा रहे थे, तो सबसे पहले हनुमान जी मिले थे। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, तुमने जब रावण का वध किया था तब तुम्हारे साथ हम थे, आज पापी कंस को मारने जा रहे हैं, मुझे साथ नहीं ले जाओगे? जवाब दिया हनुमान, तुम्हें सब पहचान लेंगे। तो एक ग्वाले का भेष बनाया और हनुमान जी भी सम्मिलित हो लिए। श्रोताओं मथुरा जी के निकट एक बगीचे पे जा करके पहुंचे, तो भगवान कन्हैया बाबा नंद से पूछने लगे, बाबा ये कौन सा नगर है जो इतने ऊंचे ऊंचे इतने अच्छे अच्छे महल, ये किसके ये नगर कौन सो है बाबा? बाबा
ये नगर कौन सो है? यही तो मथुरा नगरिया है बाबा। जुई है? जुई है। यही मेरे मामा की मथुरा नगरी है। यही तुम्हारे मामा की मथुरा नगरिया है बाबा। हाँ, बड़ी अच्छी है जो नगरी। अच्छी नहीं, इसमें अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ परफ्यूम बाय सेंट वाले रहते हैं। अच्छा, तो बाबा मैं दूरी दूर से, बहुत दूरी दूर से मैं नगर देखे आऊं। दूर दूर? हाँ। अरे वो तांत्रे का है, जगह जगह पे बम लगवा दी होगी। अकेले मन जाओ, अकेले मन जाओ। बाबा मेरी बात सुनो। क्यों? के दूरी, अरे दूर से बाबा जी और मैं नगर देखने जाऊंगा। अरे आज्ञा दे दो, मैं दूरी दूर से जाऊं मथुरा नगरिया को देखे आऊं। बाबा कहने लगे नहीं जाओगे कन्हैया, ये कोई गोकुल बरसाना नंदगांव नहीं। अरे जी मथुरा है, अगर तुमसे थोड़ी भी त्रुटि बन गई तो तेरे मामा तो जेल में डलवा देगो। अच्छा, हाँ तुम यही रहो, कहीं मत जाओ, तुम यही रहो। जहाँ? हाँ हाँ, जहाँ का करेंगे हम? नेक मोज जान तो दे, खाली हम देखे आए ये बगिया में कैसी कैसी अमियां लगी हैं, अंगूर लगे हैं, लंगूर लगे हैं, कैसे सेब है, कैसी नाशपाती है, देख तो आए फल कैसे लगे हैं। जब भगवान कन्हैया ने जादे कहा तो नंद बाबा ने बलराम को बुला लिया। बेटा बलराम, ये श्याम बहुत ही चंचल स्वभाव का है तुम्हें मालूम में, तुम्हें ऐसा करो तुम कन्हैया संग चले जाओ और ये इसका ध्यान रखना है, ये बिल्कुल किसी से बात ना करे, केवल मथुरा को दिखा ला, इसे ये मान नहीं रहा है। ठीक है? ठीक है, इसके मुंह पे मांस लगाए दे रहे, बात करी नहीं पाए। भक्त जनो जवाब दिया तब तक मन सुखाने बाबा में चलो जाऊं। क्या कह रहा है? मैं चले जा, देख कैसे मुकर टमाटर से तू चलो जा, हमें मालूम है तू जाएगो ना भेजा रहे तो मेरे टोमी बैठ जा, हम अनजानी का हम चले जा तो अच्छी बात रही। चले जाओ, तुम भी चले जाओ साथ। अब तो रेता पेता मना मनसुखा छुटंगा श्री धामा बलबीर सब ग्वाल वाल सम्मिलित हो लिए और मथुरा को देखने के लिए चले। अब तो इधर मथुरा के लोग भगवान कन्हैया की शोभा देख रहे और भगवान कन्हैया मथुरा की शोभा देख रहे। मथुरा की लोग कहने लगे, आपस में सहेलियां बातें करने लगे, ओरी बहना तो इन्हें मालूम जे को है, को है जे बहना सुने, ये बही योद्धा हैं। एक बोली चुप रे बहना, मोय माल में जे कोई इन्हें धोखो देके, अरे पापी कंस ने बुलवायो है। सुबह होते ही वो पापी कंस इनकी बलि चढ़ाएगा। बलि तुम्हारी किस्म, चुप एकदम दूसरी बोली चुप रे काऊ सुना, काऊ काऊ सुना, अरे तोए का माल में जे कोई कोई सुने। अरे पीर बर अरे यशोदा के, अरे परम दुलारे